नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। जिंदा जलाई गई महिला की 5 दिन बाद पहचान, 2 साल से थी अलग, साथ रहने वाला युवक गायब। पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। बिलासपुर में जिंदा जलने वाली महिला की मौत की गुत्थी अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। 5 दिन बाद महिला के परिजनों ने उसकी पहचान की है। उसके पति और बेटे ने उसके गहनों से उसकी शिनाख्त की है। महिला 2 साल से घर वालों से अलग रह रही थी। उसके साथ रहने वाली तिफरा का युवक भी गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महिला झाड़ियों के बीच बुरी तरह से जलकर कराह रही थी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। महावीर नगर में झाड़ियों के पास बीते शुक्रवार की रात महिला बुरी तरह से जल गई थी और वह दर्द से कराह रही थी। संजीवनी स्टाफ ने जानकारी मिलने पर उसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया था, लेकिन रात में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। महिला छत्तीसगढ़ी बोल रही थी, लेकिन बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल सका था और न ही उसकी पहचान हो पाई थी। उसके दाएं हाथ में सोने की 2 अंगूठी व 2 हाथों में लाल पीली चूड़ी थी। 1 पैर में बिछिया था। उम्र 35 से 37 वर्ष की थी। दोनों कान में सोने की टॉप्स भी पहनी थी। बुधवार को सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी संतोष कुमार गुप्ता पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता 60 वर्ष व ओम प्रकाश गुप्ता पिता संतोष गुप्ता 18 वर्ष ने उसकी पहचान की। वो संतोष कुमार गुप्ता की पत्नी व ओम प्रकाश की माँ थी। उन्होंने महिला के गहनों के साथ ही जले हुए कब्रों से उसकी शिनाख्त की। महिला का नाम राजरानी गुप्ता 48 वर्ष था। संतोष कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि राजरानी 2 साल से घर से अलग रह रही थी। इसके पहले भी वो कई बार घर से जा चुकी थी। महिला के साथ रहने वाला युवक गायब। पुलिस को महिला के बारे में पता चला है कि वो वर्तमान में तिफरा में किसी युवक के साथ रहती थी। पुलिस ने युवक की जानकारी जुटाई, तब पता चला कि वो गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महिला ने खुदकुशी की थी या किसी ने उसे जलाकर मार डाला, ये गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ पाई है। महिला के शव का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। पीएम रिपोर्ट से महिला की मौत के कारणों का पता चल सकेगा।